नमस्कार, कुक विद भावना में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे जोधपुर की प्रसिद्ध मावा कचौरी, जिसे घर में बहुत आसानी से बनाया जा सकता है और हलवाई जैसी कचौरी बनके तैयार होती है। चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं। और इससे पहले, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए। कचौरी बनाने के लिए एक बार हम सामग्री देख लेते हैं। यहाँ मैंने 2 कप मैदा ले लिया है, ये 250 ग्राम मैदा है। और उसके बाद यहाँ 1 कप मैंने मावा ले लिया है, ये 200 ग्राम मावा है। 1 कप यहाँ पर चीनी ले ली है, ये चाशनी के लिए है और ये 250 ग्राम है ग्राम्स में। उसके बाद यहाँ पर आधा छोटी चम्मच हमें इलायची पाउडर लेना है। कुछ धागे केसर के ले लिए हैं मैंने, ये ऑप्शनल है। और उसके बाद यहाँ कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, ये भी ऑप्शनल है। आप अपनी पसंद के अनुसार जो भी आपको पसंद है वो ड्राई फ्रूट्स इसमें यूज कर सकते हैं। और 1/4 कप हमने यहाँ पर घी ले लिया है। तो चलिए हम मावा कचौरी बनाना शुरू करते हैं। ये बनाने के लिए सबसे पहले हम डो प्रिपेयर कर लेंगे कचौरी के लिए। तो यहाँ जो हमने मैदा लिया है उसमें इस तरीके से हम एक छेद बनाते हुए इस तरह से हम घी जो हमने लिया है वो इसमें डाल देंगे और हाथों से उसे मिक्स कर लीजिए। हमने मैदे में घी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी हम थोड़ा थोड़ा पानी लेकर के पानी की सहायता से डो प्रिपेयर करेंगे। सख्त डो लगाना है हमें। फ्रेंड्स, हमारा डो बिल्कुल तैयार है। अभी हम इसे ढक करके रख देंगे, तब तक हम हमारी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। के लिए सबसे पहले हम मावे को भून के तैयार करेंगे। मावा भूनते समय आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि गैस का जो फ्लेम है वो बिल्कुल स्लो होना चाहिए। स्लो फ्लेम पे ही आप मावे को अच्छे से भून लीजिए। मावा भूनते समय हमने जो केसर लिया है उसके कुछ धागे हम इसमें डाल देंगे ताकि अच्छा सा कलर आ जाए इसका। मावे को भूनते हुए हमें 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और बहुत ज्यादा हमें नहीं भूनना है। मावा हमारा कढ़ाई छोड़ रहा है, मतलब कि ये अच्छे से भून चुका है। तो अभी हम गैस ऑफ कर देंगे। अभी हम मावे में जो हमने ड्राई फ्रूट्स लिए थे उसे हमने काट दिए हैं और कुछ ड्राई फ्रूट्स हम इसमें डाल देंगे और कुछ हम गार्निशिंग के लिए रख लेंगे। और इलायची पाउडर जो हमने लिया था वो भी इसमें हम डाल देंगे और एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए आप इसे। अभी हमारी स्टफिंग बिल्कुल तैयार है, इसे हम किसी बर्तन में निकाल लेंगे। स्टफिंग ठंडी हो रही है, जब तक हम चाशनी बना के तैयार कर लेंगे। ये 1 कप जो हमने चीनी ली थी वो चीनी ले लेंगे और उसमें 1/2 कप हम पानी डाल देंगे और इसे लगातार चलाते हुए हमें पकाना है। हमारी चाशनी में उबाल आ चुका है और बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है हमें। हमें इसमें सिर्फ चिपचिपी चाशनी चाहिए, कोई भी तार नहीं लेना है। जैसे गुलाब जामुन जलेबी में हम बनाते हैं वैसी ही चाशनी हमें करनी है, इसमें बनानी है। हमारी चाशनी बनकर के बिल्कुल तैयार है। अभी हम इसे एक तरफ रख देते हैं और हमारी कचौरियाँ बना लेते हैं। हमारा डो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अभी हम इसे हल्के हाथों से थोड़ा चिकना कर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं मसलना है हमें इसे। और इसकी छोटी छोटी लोइयां बना करके तैयार करेंगे हम। आप अपनी पसंद से जैसी बड़ी या छोटी कचौरी बनाना चाहें वैसी आप बना सकते हैं। हमारी जो डो लगा रखा था हमने उसके पेड़े बना के तैयार कर लिए हैं और अभी हम इसमें स्टफिंग भर के कचौरी बनाएंगे। इस तरह से आप हाथ में ले करके आप इस तरह से फैला लीजिए इसे। आप चाहें तो बेल भी सकते हैं इसे। इस तरह से जगह बनाते हुए किनारों को ऊपर उठा लीजिए आप। और उसके बाद हमें इसमें 1 से 2 चम्मच स्टफिंग जो हमने मावे की बना के तैयार करी है वो डाल देनी है। और फिर से किनारों को उठाते हुए इसे बंद कर देना है हमें।
और एक्स्ट्रा जो भी मैदा है उसे आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। और अब हाथों की सहायता से दोनों हथेली में दबा करके इसे थोड़ा फैला लें आप और कचौरी का शेप दे दें। कहीं से भी लेकिन ये खुला नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल पैक हो, ये चीज आप ध्यान रखिए। ये हमारी कचौरी बिल्कुल तैयार है फ्राई होने के लिए। इसी तरह से हम सारी बना के तैयार कर लेंगे, फिर उसे फ्राई करेंगे। जब तक हम कचौरी में स्टफिंग भर के तैयार करेंगे, जब तक हमने जो कुछ कचौरियाँ बना ली है उसे हम फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि इसे फ्राई करने में बहुत टाइम लगता है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हमें इसे फ्राई करना है। तो अभी हम कढ़ाई में घी गरम करने के लिए रख देते हैं। कचौरी फ्राई करने के लिए हमें बिल्कुल हल्का गरम घी चाहिए, तो अभी हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा घी अच्छे से गरम हुआ है या नहीं। थोड़ा सा हम मैदा इसमें डालेंगे और ये बिल्कुल धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, हमें ऐसा ही गरम घी चाहिए कचौरी फ्राई करने के लिए। तो अभी हम इसमें पहले दो कचौरी डालेंगे और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हम इसे फ्राई होने देंगे। हमारी कचौरी बिल्कुल ऊपर फूल के आ चुकी है, तो अभी हम इसे पलट देंगे। और इसी तरह से बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हम इसे फ्राई होने देंगे। हमें कचौड़ियों को गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करना है। अभी हमने स्लो फ्लेम पर रखा था इसे, अभी हमने फ्लेम को मीडियम कर दिया है ताकि अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए इस पे। अभी हमारी कचौड़ी बिल्कुल अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, तो अभी हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और हमारी बाकी की कचौड़ियों को हम फ्राई करेंगे। हमारा लास्ट बैच कचौरी का फ्राई होके बिल्कुल तैयार है, इसे भी हम निकाल लेते हैं प्लेट में। हमारी सारी कचौड़ियां बिल्कुल तैयार है फ्राई होके, अभी हम इसमें चाशनी लगाएंगे। फ्राई होके बिल्कुल तैयार है, अभी हम इसमें चाशनी लगाने के लिए बीच में एक छेद करेंगे इस तरीके से। जितनी कचौड़ी में आपको चाशनी लगानी है उतनी में आप छेद कर दीजिए। और अभी हम इसमें चाशनी भरेंगे। एक से दो चम्मच आप चाशनी इसके अंदर डाल दीजिए और कुछ चाशनी आप बाहर भी लगा सकते हैं इस तरीके से। और ऐसे ही हम सारी कचौरियों पे चाशनी लगा देंगे। अभी हमने चाशनी लगा ली है इस पे और कुछ ड्राई फ्रूट हम इस पे लगा देंगे। मावा कचौरी बन करके बिल्कुल तैयार है। आप भी इस दिवाली जरूर बनाएं मावा कचौरी घर में। और यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ।